हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एडिवर्स फॉर अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बर्सेक लाइक के बारे में, जिन्हें काफी सारे फैंस जानते होंगे और कुछ नहीं भी। तो चलिए उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बात करते हैं और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक शायरी के साथ। एक तरफा ही सही मोहब्बत मोहब्बत है, उसे हो ना हो लेकिन मुझे उनसे बेसुमार मोहब्बत है। So friends, Bars Akalai Turkey की one of the most beautiful actress है, जिन्होंने acting industry में अपना नाम international level तक बनाया है। Bars Akalai ने 20 से ज्यादा movies और TV series में काम किया है। Bars Akalai बहुत ही beautiful और talented actress है, जिसके चलते उन्हें पब्लिक बहुत ही पसंद करती है। Bars Akalai का जन्म 19 जून 1984 में इस्तांबुल टर्किश में हुआ था। उनकी अम्मी का नाम यास्मीन अर्गुनू है और अबू का नाम सरकन अकालाय है। प्रोफेशन से Bars Akalai एक्ट्रेस, मॉडल और लेक्चरर है। Bars Akalai के फिजिकल स्टेटस की बात कर उनकी हाइट 173 सेंटीमीटर है, आई कलर ब्राउन एंड हेयर कलर डार्क ब्राउन है और नेशनलिटी उनकी टर्किश है। Bars Akalai's hobbies. Bars Akalai की hobbies की बात करें तो उन्हें traveling करना, book reading करना और shopping करना बेहद ही पसंद है। Bars Akalai ने अपना education पैरा फाइन आर्ट्स हाई स्कूल थिएटर से कंप्लीट किया था। 2003 में फिर उन्होंने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग की, लेकिन थर्ड सेम में उन्होंने आधे से पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उनका सपना था एक्ट्रेस बनना। फिर उन्होंने 20 इयर्स की एज में स्टेट कंजर्वेटरी म्यूजिक स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली। लेकिन फिर उनको हलिक यूनिवर्सिटी में सीट मिल गई थिएटर स्टडी के लिए और फिर वहां से उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। Bars Akalai के मैरिटल स्टेटस की बात करें तो Bars Akalai ने May 17, 2011 में एक्टर मुराद उलावा से मैरिज किए थे, लेकिन December 29, 2012 में उनके डायवोर्स हो गए। फिर उन्होंने सैफ लेवंडू से मैरिज कर लिए, जिन्हें Bars Akalai के साथ लीड रोल में लिटिल लॉर्ड शो में काम किया था। लेकिन January 3, 2017 में फिर से उनके डायवोर्स हो गए एंड नाउ 2020 में Bars Akalai सिंगल है। आप ट्रांसफर सकते हैं। टेलीविजन सीरीज में उनकी एंट्री सपोर्टिंग रोल से स्टार्ट हुई टीवी सीरीज 80 से, और उसी साल उन्हें मूवी में सिनेमेटिक रोल मिला मूवी संडर्स अस्कविय यूनिवर्साइट में। Bars Akalai की करियर की सफलता की शुरुआत 2010 में आई शो यार गौक अश्क से हुई, जिसमें उन्होंने हवा के रोल को प्ले किया था और शो को और Bars Akalai के रोल को क्रिटिक्स और फैंस द्वारा बहुत ही पसंद किया गया और शो की वजह से वो बहुत ही फेमस हो गई। 2007 में 80 शो में काम किया सपोर्टिंग रोल एज अ जैना के, और इसी साल सनी उगुना शो में अजलेम के रोल को प्ले किया एज अ लीड रोल। 2007 में कदर फेट शो में लैमिया के रोल को प्ले किया एज अ लीड रोल। 2009 में विंटर टेल शो में दिशांत के रोल को प्ले किया एज अ सपोर्टिंग एक्टर। इसी साल रिवोल्यूशन टू रिजाइमेंट अलीना ईशान शो में शेफ टाइप के रोल को प्ले किया एज अ लीड रोल। 2010 में लव इज इन द एयर शो में हवा के रोल को प्ले किया एज अ लीड रोल। 2013 में भूले बिटपेसिन शो में एलियन के रोल को प्ले किया एज अ गेस्ट अपीयरेंस। इसी साल बैक ऑन कॉक सेवरेम शो में एयान के रोल को प्ले किया एज अ लीड रोल। 2014 में लिटिल लॉर्ड शो में सीनियर के रोल को प्ले किया एज अ लीड रोल। 2015 में मैरिड एंड फ्यूरियस शो में इश्रा के रोल को प्ले किया एज अ लीड रोल।
2016 में बिटर स्वीट लाइफ शो में हयात के रोल को प्ले किया एज ए लीड रोल। 2017 में ब्लैक एंड व्हाइट लव शो में असली के रोल को प्ले किया एज ए लीड रोल। 2018 में डोंट क्राई मॉम शो में अकेले के रोल को प्ले किया एज ए लीड रोल। एंड आफ्टर वन ईयर 2020 में वो बैबिल द चॉइस शो में इले के लीड रोल को निभा रही है। बार्स अकेला इन 2019 में उनके पास कोई भी शो का प्रोजेक्ट नहीं था, इसके चलते वो हॉलिक यूनिवर्सिटी में थिएटर डिपार्टमेंट में लेक्चरर बन गई और एक साल तक एज ए लेक्चरर यूनिवर्सिटी में काम किया। बार्स अकालाय के लाइफ के फैक्ट्स की बात करें तो बार्स अकालाय का कजिन ब्रदर भी है जिसका नाम बरिस मुराक यासिक है, वो एक एक्टर है। 2004 में बार्स अकालाय ने टर्की के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और थर्ड नंबर की पोजीशन पर रही थी। 2007 में बार्स अकालाय ने यूरोपियन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में टर्की को रिप्रेजेंट किया था और सेमीफाइनल तक पहुंची थी। सोशल लाइफ की बात करें तो वो इंस्टाग्राम और ट्विटर यूज करती है। इंस्टा पे उनके फॉलोवर्स 2.2 मिलियन हैं और ट्विटर पे 163K फॉलोवर्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी बार्स अकालाय के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल एडिवल्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हो सके तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए जिससे कि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं फिर मिलूंगा, शब्बा खैर।